काशिफ शहजाद फिटनेस आज हम बात करेंगे सावन के महीने में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ शहजाद। आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते जो लोग पहली दफा ट्यून इन हुए हैं, जिन्होंने पहली दफा मेरी वीडियो देखी है, उनको पता चलो मुझे कहते हैं काशिफ शहजाद। आप लोग देख रहे हैं काशिफ शहजाद फिटनेस ओनली ऑन फेसबुक, बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस ओनली ऑन टेलीमोशन एंड काशिफ शहजाद ऑफिशियल ओनली ऑन यूट्यूब। साथियों, आज का टॉपिक बहुत मजेदार, बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिथ्स हैं हमारे मुल्क में, हमारे एल्डर्स ने हमारे दिमाग में डाली हुई हैं, हमारे जहनों में बिठाई हुई हैं कि सावन के महीने में वर्कआउट नहीं करना है। इसके हवाले से हम आज बात करने जा रहे हैं, सावन के महीने में वर्कआउट क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे बड़ों ने, मेरे बड़ों ने, जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं तकरीबन पिछले 2006-07 से वर्कआउट कर रहा हूँ और 2010 तक मेरे वालदैन मुझे रोकते रहे हैं कि सावन के महीने में वर्कआउट नहीं करना। क्यों? मैं बस चुप हो जाता था, मैं कहता था अच्छा नहीं करना। क्यों? वो कह, जो मैंने सुना अपने वालदैन से या अपने बड़ों से, वो कहते थे कि खून पसीना एक हुआ होता है और ज़ख्म जो होते हैं, अगर बॉडी पर ज़ख्म हो जाए वो पकता नहीं है, तो इस तरह की कुछ बातें। और आप लोग जो हैं, आप लोगों के भी बड़े भी, आपके जानने वाले भी आपको सावन के हवाले से बहुत कुछ कहते होंगे कि एक्सरसाइज नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आज इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या सही रहनुमाई है। सावन के महीने में वर्कआउट क्यों नहीं करना, आपका कोई साइंटिफिक या आपका कोई डायरेक्ट लिंक है आपकी ह्यूमन, आपकी बॉडी का वेदर के साथ, आपके वेदर के साथ कोई है कंसर्न? ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली कोई कंसर्न है, कोई ऐसी कोई चीज़ है कि आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा कि सावन के महीने में वर्कआउट करने से आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खून पसीना एक, मतलब ये क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खून पसीना एक होता है तो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ मिथ्स हैं। विद ऑल द रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, या आपको लगे कि आपके वालदैन ने जो बताया है वो बिल्कुल ठीक है, एग्री, रिस्पेक्ट, बिल्कुल रिस्पेक्ट है, लेकिन देखें आप साइंटिफिकली देखें, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ह्यूमन बॉडी का। भाई, वेदर के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? वेदर का सिर्फ नेचर के साथ ताल्लुक है, ह्यूमन बॉडी के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। आपने इस चीज़ को समझना है, पहली बात होगी। दूसरी बात यह कि आप वर्कआउट करें। मैंने 2006 से लेकर 2010 तक वर्कआउट नहीं किया सावन के महीने में, और वो आपको पता है कितना बड़ा लॉस होता है आपके स्टेमिना में, आपका गोल की तरफ, आप अपने गोल की तरफ जा रहे होते हैं और आप वर्कआउट छोड़ देते हैं। जब दोबारा वर्कआउट करते हैं तो आपको कितनी स्ट्रगल दोबारा करनी पड़ती है, इस बात से भी आप अच्छी तरह से आगाह होंगे। तो हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अब सावन का महीना है, बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं और सावन का महीना आया, उनको पता चला सावन है जी, और इसने कह दिया, उसने कह दिया, बड़ों ने कह दिया कि वर्कआउट नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करनी, तो वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं जिम जाएं, वर्कआउट करें, ट्रेन करें। मैं 2010 के बाद से आज तक ट्रेन कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेन कर रहा हूं और मैं रोज़ जाता हूं वर्कआउट ट्रेनिंग करने के लिए। आजकल भी सावन महीना चल रहा है सावन का, और कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली ऑल राइट। कुछ भी नहीं होता है, आपकी बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है वेदर के साथ। आप याद रखें, आपकी बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए होती है, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, आपकी बॉडी को क्वालिटी फूड चाहिए होता है। आप वर्कआउट करते हैं, तीन चीज़ें चाहिए होती है, पानी भी साथ में चाहिए होता है। जो रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन है, आपकी रेस्ट है, आपका वर्कआउट है, ये है, ये आपकी बॉडी की नीड है, और आपकी बॉडी का वेदर से कोई कंसर्न नहीं, ठीक है? तो वर्कआउट करें, ट्रेन करें, जिम जाएं, एंजॉय करें योर वर्कआउट, अपने दोस्तों को बताएं, जो लोग अपने, आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके अजीज़ व अकारिब जिम जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं ड्यू टू के जी पता है जी हमें सावन का महीना है तो हड्डियों में फ़र्क पड़ जाएगा, हड्डियों में दर्द निकल आएगा, इंजरी होगी तो सारी ज़िंदगी के लिए इंजरी रहेगी। नहीं,
आप ये चीज जहन में बैठी हुई है, आप जख्म है, मिसाल ले लें कि सावन के महीने में जख्म हुआ वो पक नहीं रहा है, सावन का महीना जाएगा ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है सामीन। आप लोगों ने न्यूट्रिशन इज द की, आप उतनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हैं, आपकी फैट कार्बोहाइड्रेट एनर्जी आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्वालिटी फूड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी फूड, दैट इज इट। आपकी जो इंजरीज हैं, आपके जो जख्म हैं उनका ठीक होना, आपकी आप उसके लिए आप क्योर क्या कर रहे हैं, आप मेडिसिन क्या ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है वेदर का इसमें, ठीक है। तो वर्कआउट करें, ट्रेन हार्ड, जिम जाएं, अपने दोस्तों को बताएं, और मैं भी जिम जा रहा हूँ, हर रोज जिम जाता हूँ सावन के महीने में, तो मैं और अच्छा ट्रेन करता हूँ, क्यों, क्योंकि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, और आप श्रेडेड लुक के लिए, लीन लुक के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। तो आई थिंक जो मिथ है वो उसके बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया कि सावन के महीने में ट्रेन करना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गो जिम, ट्रेन करें, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें बनाई हुई हैं। देखिए आप ट्राई करके देखें, दो तीन तीन दिन ट्राई करें और जिम जाएं, आप खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार सावन के महीने में ऐसा क्या है, ऐसा क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या मसले फैल होते हैं। सिर्फ वो आप इंजरीज जो होते हैं वो आप अगर खुदा ना खास्ता आपको जिम जाते हैं, कोई इंजरी हो गई है, आपने एहतियात से एक्सरसाइज नहीं की तो आपको कोई इंजरी हो गई है, शोल्डर इंजरी हो गई है, तो उसको आप रिलेट कर रहे होते हैं सावन से, चोट लग गई है, आपका पका नहीं है जख्म, आपकी इंजरी ठीक नहीं हुई है और स्वेलिंग हो गई है कोई, तो आप क्योरनेस अच्छी तरीके से करते नहीं हैं और आप उसको रिलेट करते हैं सावन के महीने से। ऐसा नहीं करना है, आपने अपनी न्यूट्रिशन पे ख्याल रखना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, तभी आपकी जो मसले मसाइल हैं वो ठीक होंगे। और अगेन सावन के महीने में कुछ भी नहीं होता है, ट्रेन करें, मैं भी पिछले 6 साल से ट्रेन कर रहा हूँ सावन के, जब मुझे नॉलेज हुआ, मैंने गेट टू नो कि यार अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, और इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची, मैंने रिसर्च के मुताबिक मैंने चीज़ें सीखी, मुझे जब पता चलना शुरू हुआ तो मैं आपके सामने लेके आता हूँ हर रोज़ कुछ ना कुछ नई वीडियो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी एजुकेट कर सकूँ, अवेयरनेस दे सकूँ, जैसे मुझे अवेयरनेस हो रही है। देर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज, देर इज़ लॉट ऑफ कॉन्टेंट ओवर देयर ऑन द इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेकिन वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द गुड कॉन्टेंट, ठीक है। तो आपने जिम के लिए जो ट्रेनिंग देखनी है, आप उस कंटेंट को पिक करें, आप यू गॉट लर्न द थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट, एवरीवेयर अराउंड यू गो टू द इंटरनेट, यू चेक अ लॉट ऑफ चैनल्स ओवर देयर, फ्लां फिटनेस मॉडल फ्लां बॉडी बिल्डर, ब्ला 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 ब्ला। तो क्या करना है आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है, लर्न करना है और अकॉर्डिंगली खुद को ट्रेन करना है। एट द एंड आपने ट्रेन खुद ही करना है, खुद को आपने खुद ही फूड खाने हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि ये वाले अंडे खा लें, ये वाली मुर्गी खा लें स्पेशल है, और ये वाला गोश्त खा लें स्पेशल है, ये वाले चावल खा लें, ये वाली रोटी खा लें स्पेशल है, तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं। ऑल कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिशन, गुड गुड लर्निंग, गुड एजुकेशन, गुड रिसर्च, कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए, और एट द एंड आपने खुद ही करना है सब कुछ। तो ट्रेन हार्ड, मेक श्योर यू गाइज ट्रेन हार्ड, गो टू द जिम, सावन वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, डू योर वर्कआउट एंड एंजॉय योर वर्कआउट। और ये सारी मालूमात जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, कोशिश करें अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो नौजवान हैं, मेरे मुल्क के नौजवान, मेरे जैसे नौजवान वो गलत राहों पे ना लगे, जैसे इंजेक्शन की बात हो गई अभी पिछले साल, जैसे इस्लामाबाद में, अब आई गेस लाहौर में 6 लड़कों की डेथ का वाकया मंजरे आम पे आया था, जिनमें सिर्फ सीनियर लोग थे, वो प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करते थे, डेथ की वजह क्या थी, स्टेरॉइड्स, सिर्फ यही रीज़न है कि स्टेरॉइड्स की तरफ नहीं जाना है। इंशाल्लाह मैं स्टेरॉइड्स पे भी वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए अपलोड करूंगा बहुत जल्द, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको सिर्फ ये करना है कि आप जिस भी फिटनेस मॉडल, फिटनेस ट्रेनर, जिस भी जिम में जाएं, जो कोई भी आपका ट्रेनर है, आस्क हिम, शो मी योर एब्स, उससे पूछें कि यार आप मुझे एब्स की गेम लगा रहे हैं, ये किस लिए है और कौन सी है, दिखाएं जरा अपने एब्स, दिखाएं मुझे, आप चेस्ट की गेम लगवा रहे हैं, बाइसेप की लगवा रहे हैं,
बाइसेप में कितने मसल होते हैं, कौन से मसल होते हैं, इस एक्सरसाइज से कौन सा मसल ट्रेन होगा, आस्क क्वेश्चन ताकि आपको भी पता चले। आप ऐसा मत करें कि जी मैं जा रहा हूँ जिम, उस्ताद जी आज मैंने मुझे ये वाली गेम लगवाएं, या मैंने अपनी बॉडी बनानी है, बाइसेप इतने बड़े हो जाएं और शर्ट बस अच्छी लगे पहने हुए, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये चीज़ें बकवास हैं, आप उनसे पूछें प्रॉपर, ये आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं, हार्म है, दिस इज हार्म फॉर यू, कि आप जाते हैं तो बिला पूछे बगैर, कुछ भी जाने बगैर आप उसे कहते हैं, अपने ट्रेनर को कहते हैं कि जी मुझे बस इंजेक्शन लगा दो, मैं बस 2 महीने में मेरी बॉडी ऐसी हो जाए वैसी हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे सवालात पूछें और वो होपफुली अगर अच्छा ट्रेनर है वो आपके सारे सवालात के जवाब देगा, वो ऐसे नहीं कहेगा और नहीं बस वो चुपचाप लगा यार मैं तुझे एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज ऐसे है और ऐसे है। नहीं, आस्क हिम कि ये एक्सरसाइज क्या करती है, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा, ये क्यों नहीं लगानी, ये क्यों लगानी है, ये इस रूटीन में क्या है और अगले हफ्ते मैं क्या लगाऊंगा। जो भी तरीकाकार है, जो भी वर्कआउट स्प्रिंट है, जो भी साइकिल है वर्कआउट का, जो भी रूटीन है उसके बारे में पूछें, एब्स की रूटीन के बारे में पूछें, आस्क क्वेश्चन ताकि आपको भी पता चले कि यार अच्छा मैं क्या करूंगा। आप जो कुछ करें अपने लिए करें और अपने साथ करें, तो ये मजाक करें आप अपने साथ, ठीक है। तो आप उनसे पूछें ताकि आपको भी अंदाजा हो कि वो आपको कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए लगवा रहे हैं। ऑलराइट, आई होप यू गाइस गॉट द इन्फॉर्मेशन, मोर ग्रेट वीडियोज and tips coming soon. I'll see you guys next time. Over and out.